उदयपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 40 की भाजपा पार्षद गरिमा पठान का शव देर रात उसी के घर के पानी की टंकी में मिला। सूत्रों के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का माना जा रहा है। पुलिस मृत्यु के कारणों और अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। वार्ड नंबर 40 की पार्षद गरिमा पठान का शव देर रात सिलावट वाड़ी स्थित उनके घर की पानी की टंकी में पड़ा हुआ मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार रात गरिमा अपने बेटे और बेटी के साथ अपने घर पर ही मौजूद थी। बताया जा रहा है कि बुधवार को उसकी शादी की सालगिरह भी थी। गरिमा पठान का पति शहर से बाहर डूंगरपुर गया हुआ था, इसलिए उन्होंने काफी देर तक पति से बात की। चूंकि बच्चों की भी परीक्षा चल रही है, इस वजह से रात 12 बजे तक बच्चे पढ़ते रहे, बाद में सोने के लिए चले गए। देर रात करीब 3 बजे बच्चों की आंख खुली तो उन्होंने अपनी माँ को पास में नहीं देखकर घर में ढूंढा। बाद में छत पर जाकर देखा तो पानी की टंकी का ढक्कन खुला हुआ था। अंदर झांक कर देखा तो माँ को पानी में डूबा हुआ पाया। बच्चों ने आवाज देकर पड़ोसियों को बुलाया। मौके पर घंटाघर थाना पुलिस ने पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद शव को टंकी से बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार वहां पर कुछ मेडिसिन गोलियों के रैपर भी मिले हैं, जिससे कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने गोलियां भी खाई थी। जानकारों का मानना है कि पिछले कुछ दिनों से गरिमा पठान काफी तनाव में थी। तनाव के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस सारे बिंदुओं पर जांच कर रही है।